सलातुस्सलामुअलैका या रसूलल्लाह, सलामुअलैका या सैयदी या हबीबल्लाह। मेरे साहब, देखने वालों को अदाब। मेरे दोस्तों, आज असी मैंगो ते अंब ते कुछ गल्लां सांझियां करांगे। कहिंदे आ कि फलां दा बादशाह अंब, ते मैं कहिंदा कि अंबां दा बादशाह चौंसा। हर एक आदमी नूं अपनी अपनी पसंद हुंदी आ कि मैनूं ते चौंसे अंब नाल बहुत ज़्यादा प्यार। ते कहिंदे आ कि अंब ज़्यादा होने चाहिए आ, और बाल्टी च पा के ते नाल कच्ची लस्सी रज के खाओ, तो बाद कच्ची लस्सी पियो। जे साडा चौंसे दा पौधा सफेद चौंसा थल्लों लोकी तोड़ के लै गए, तो उत्ते अंब लगे हुए आ। तो दो चार दिन तक ये तैयार हो गए आ, क्योंकि पकने कुछ अंब उत्तों पक के किरदे पे आ। जो पक के किरदा परिंदे वगैरह उन्हूं खा जांदे आ। उत्ते ये सफेद चौंसे का बूटा, मेरे दोस्तों, ये काले चौंसे का पौधा, ये भी बहुत ज़्यादा मिठा हुंदा। ये गुठली दे नाल इहदे जाला जिहा हुंदा, क्योंकि मिल्क शेक वगैरह च इस्तेमाल ही हुंदा। ये खाण च बहुत मिठा ते शहद वर्गा दे अंब। ये काला चौंसा, ये भी पक्कण दे तैयार आ, क्योंकि इहदा फ्रूट भी पक के नीचे गिरना शुरू हो गया है। ये काले चौंसे का पौधा अंब नाल भरिया होया। दोस्तों, इहदे ते अंबां दे जे मिली बग का बहुत ज़्यादा हमला हुंदा। मिली बग जनवरी फरवरी दे विच इहदे बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं, जिद्दां कीड़ियां दे बच्चे, कीड़ियां नहीं हुंदियां उदां दे जूआं तरह दे, आस्ता आस्ते बढ़ने हो शुरू हो जाते हैं। कदों इहदे बच्चे निकलने शुरू हो जाण, ते इहदे ते कोस्ट दी तुसीं स्प्रे वगैरह करो, उहना सारे मिली बग खत्म हो जाएंगे। बाकी ये मई जून ताईं मिली बग रहिंदा। ये अंब दा नूं दे जूस वगैरह जूस लैंदा, ते अंब केड़ा ओह किन्ने शुरू हो जांदे, इहदे च ताकत नहीं रहिंदी। ते मिली बग नूं मकाओ, ते फ्रूट देखो इस अंब दा, माशाल्लाह। ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-12 ਮਣ ਅੰਬ ਹੋਣੇ ਆ ਬਲੈਕ ਚੌਂਸੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਫੈਦ ਚੌਂਸਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਇਹਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਟਾਪ ਦੇ ਅੰਬ ਆ, ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ये सफेद चौंसा, ये भी फ्रूट ना भरिया हुआ। ये तो कोई 5-6 मण अंब। ये दोस्तों अंब का पौधा नहीं, ये एवोकाडो न्यू फ्रूट आ। जिदा नाशपाती नहीं होंदी उस तरह का इहदा फल हुंदा। ये ब्लड प्रैशर, शूगर, हैपेटाइटिस दे लई बहुत मुफीद आ एवोकाडो।
ब्लड प्रेशर शुगर वाले इहदा जायका दे टेस्ट करो, बाकी थोड़े खाओ नाल कच्ची लस्सी वगैरह पियो, क्योंकि अंब च विटामिन वगैरह बहुत ज़्यादा होंगे आ। तो खाओ तो मौजा करो, बाकी जो मरीज आ थोड़े खाओ, ये नहीं कि दो दो बाल्टियां अंब दियां खा जाओ। दोस्तों अगर वीडियो तुहानू अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, तो दुआवां च याद रखना। ओके, अल्लाह आपका हामी नासर, गॉड ब्लेस यू।